This is Mani Sharma Art and Craft Channel और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अनार। तो अनार की ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ हमने एक ड्राइंग शीट ली है और अनार की शेप देने के लिए पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक ढक्कन लिया है मैंने जिससे मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ। जितना बड़ा अनार आपको बनाना है उसी हिसाब से आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देते हैं अनार की शेप। तो टॉप पार्ट से हम थोड़ा पतला लेते हुए ऊपर वाली साइड को थोड़ा चौड़ा रखना है, बीच वाले पार्ट को थोड़ी सी गोलाई हमें कम करनी है सर्कल की, और वापस हमें नीचे कर्व करते हुए मिला देना है। देखिए बहुत सिंपल है अनार की ड्राइंग, हमें बस शेप देनी है सर्कल को और हमारा अनार बहुत इजीली बन जाएगा। अब नीचे वाले पार्ट में हमें अनार का जो मेन पार्ट है जिससे वो अनार एकदम दिखने लगता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं पत्ती की शेप में, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको हम इरेज कर लेंगे सर्कल की, इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखो ऊपर से हमें पतला लेना है क्योंकि हम इसको ऊपर जो हमारी डंडी होती है उससे बनाएंगे जुड़ा हुआ। अब इस पार्ट को हम ऊपर ड्रॉ करेंगे और कुछ लीव्स भी बनाएंगे ताकि हमारा अनार बिल्कुल ओरिजिनल लगे। तो छोटी सी हमने यहाँ पे एक लीफ लेनी है और इसकी जो डंडी है उसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी लीव्स हम नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे, पर हाँ हमारा अनार इनकम्प्लीट ना लगे इसलिए हम थोड़ी सी लीव्स यहाँ पर बना रहे हैं। कोई बहुत ही अलग शेप हमें नहीं ड्रॉ करनी है लीव की, सिंपल शेप जैसे लीव की होती है वैसे ही अनार की लीव होती है। तो बस सिंपल सी हमें कहीं पर मुड़ी हुई कहीं पर पूरी दिखाई देने वाली इस तरह से हम छोटी बड़ी साइज की लीव ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें करेंगे शेडिंग। तो जब तक आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन व्यूअर्स ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ अभी के भी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता ही रहेगा। अनार की स्केचिंग कम्प्लीट हो गई है। अब शेडिंग के लिए यहाँ मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो बस जहाँ से हमारा जॉइंट है वहाँ से हम डार्क शेडिंग करेंगे और आधी लीफ में हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर हमें लाइट शेडिंग दिखानी है। और जो हमारा ब्लैंक एरिया हम छोड़ रहे हैं उस पर हमें कॉटन की हेल्प से थोड़ा सा मिक्सिंग करनी है। तो उससे क्या है हमारा जो शेडिंग है बहुत स्मूथ दिखाई देती है, बहुत अच्छी शेडिंग होकर आती है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं लगती है शेडिंग करना। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होता है इस तरह से शेडिंग करना। तो आप बस देखिए कॉटन की हेल्प से बहुत हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर दीजिए जहाँ डार्क शेडिंग है। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है क्योंकि अभी हमारी पूरी की पूरी लीफ ही डार्क हो जाए। लाइट और डार्क का जो हमें उसमें बैलेंस दिखाना है वो दिखना चाहिए। तो बहुत हल्के हाथ से आप कॉटन से उसको स्प्रेड करेंगे और देखिए हमारी जो लीफ है उसमें लाइट और डार्क दोनों शेड हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो बाहर निकल गया है उसको आप इरेज कर लीजिए शेडिंग को लीफ के आसपास के एरिया में। और बस इसी के साथ हमारी शेडिंग कंप्लीट हो गई है। कितना इजी है ना शेडिंग करना। और सेम ऐसे ही अब हम अनार में शेडिंग करेंगे, बस शेप का ध्यान रखेंगे। जहां हमें डार्कनेस दिखानी है उसी गोलाई के साथ हमें अपनी पेंसिल को चलाना है और जहां हमें लाइटनेस दिखानी है वहां पर हम छोड़ देंगे। सेम वही प्रोसेस कि कॉटन के साथ मिक्सिंग करेंगे तो हमारा वो जो लाइट वाला पोर्शन है उसमें भी हल्की हल्की शेड आ जाएगी और जो डार्क वाला पोर्शन है वहाँ पर वो मिक्सिंग होने के बाद डार्कनेस आ जाएगी। बस गोलाई का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि शेडिंग आप जिस भी गोलाई से कर रहे हैं हमारी उस फ्रूट की वही शेप हमें दिखाई देने लगती है। आपको इस वीडियो का अब तक का प्रोसेस कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस शेडिंग को भी उसी गोलाई के साथ, हमें ऐसा नहीं है कि शेडिंग को मिक्सअप करना है तो आप कैसे भी हाथ चला सकते हैं, नहीं, उसी गोलाई के साथ हमें शेडिंग को मिक्सअप करना है। और अब करनी है डार्क आउटलाइन। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन के लिए भी 10B पेंसिल का ही यूज़ किया है। आप 12B का भी यूज़ कर सकते हैं या 8B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सफाई से आउटलाइनिंग करनी है, कहीं से क्रैक नहीं होनी चाहिए लाइन, तभी हमारी जो ड्राइंग है वो एकदम नीट एंड क्लीन बहुत सुंदर निकल कर आएगी। एग्जाम्स में आने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर अनार के पत्तों सहित बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ इसको एक बार जरूर पूरा वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। मेमोरी ड्राॅइंग से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ के लिंक मैंने वीडियो के एंड स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन पर सब जगह शेयर किए हैं। तो आप जाके चेक कीजिएगा, आपके यूज़ की सारी मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।
इसी के साथ आपको आलेखन ड्राइंग, लैंडस्केप, कंपोजिशन पेंटिंग सभी वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जाके मेरी सारी वीडियोस को चेक कीजिएगा और सबसे बेस्ट वीडियो आपको कौन सी लगी है प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। देखिए गाइज, आप लोगों को एक सेकंड लगता है एक लाइक करने में और चैनल सब्सक्राइब करने में, और मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली इंक्रीज होती चली जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली को और बड़ा करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर हमारी कंप्लीट हो गई है। आज का हमारा अनार ड्राइंग हमने पूरा कर लिया है। आपको ये ड्राइंग कैसी लगी है मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।